अभी इससे क्या हम लोग छोटी मात्रा में, कम मात्रा में कुछ ऐसे इंटेक लेना शुरू करें विटामिन? बेसिकली अगर देखा जाए तो हम लोग अपने जो फूड को है, हमारे खाने को हम लोग एक बेहतर वे में रख सकते हैं, जैसे कि जिसमें एक प्रॉपर प्रोपोर्शन हो कार्बोहाइड्रेट्स का, विटामिन्स का। और विटामिन्स को डेली रूटीन में हम लोग ले लें, जैसे विटामिन सी हुआ, विटामिन डी हुआ, विटामिन ई हुआ, ये सारी चीजों से इनरिच्ड जो फ्रूट्स होते हैं। कैल्शियम के लिए हम लोग दूध लेते हैं, वैसे ही विटामिन सी के सोर्स के लिए हम लोग संतरे ले लिए, जो भी सीट्रस फ्रूट्स हो गए वो सारी चीजें ले लिए। अगर हमारी इम्यूनिटी हमने पहले से ही अच्छी और स्ट्रांग बना रखी है तो सिर्फ हमें दवाइयों की जरूरत नहीं है। वी शुड हैव अ प्रॉपर प्लान कि हाँ, हम लोगों को खाने में भी चीजों को इंक्लूड करना है, अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल को भी बेटर करना है, क्योंकि हमारी अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो हमारे नेचुरल किलर सेल्स बहुत अच्छा वर्क करेंगे। एंड देन उसके बाद हमारी जब रोग प्रतिरोधक क्षमता ही अच्छी रहेगी तो किसी भी डिजीज के होने पे हमारे फाइट बैक मैकेनिज्म बहुत अच्छी रहेगी, बहुत स्ट्रांग रहेगी। डॉक्टर सुशीला, नेजल वैक्सीन को लेके बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं, अगर आप एक्सप्लेन कर दो थोड़ा नेजल वैक्सीन के बारे में डिटेल में। राहुल जी, उससे पहले मैं थोड़ा विटामिन के बारे में ऐड करना चाहूंगी, जो डॉक्टर सुरभि ने बिल्कुल सही बोला। और ये हमने देखा कि काफी लोगों ने विटामिन को एक्स्ट्रा खाया पिछली बार, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। सो विटामिन सी, डी, ई साइंटिफिकली ये कोई प्रूवन नहीं है कि ये आपको फ्लू से बचाएगा या नहीं। मैम पहले एक सवाल ले लीजिए, ये सवाल आया क्योंकि आप लोग बोल रहे थे उसी टाइम, ये सवाल आया, शायद आपसे सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर्स। मैंने जैसा लास्ट ईयर देखा कि लोगों ने विटामिन सी, डी की टैबलेट्स लेनी शुरू कर दी थी, तो क्या वो सेफ है? आप उसी पर बता रही हैं कि लोगों ने बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी। बिल्कुल, इतना मैं कहती हूँ, इतना अच्छा कोइंसिडेंस हो गया कि इन्होंने सवाल भी इतना पूछा। सो ये एक्सेस ऑफ विटामिन बी, सी या जिंक लेना कई बार हानिकारक हो सकता है। एक्सेस बिना प्रिस्क्रिप्शन, बिना डेफिशिएंसी के बहुत ज्यादा टैबलेट्स लेना, स्पेशली विटामिन डी की एक्सेस हो सकती है, विटामिन ए की भी एक्सेस हो सकती है, जिंक भी बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान कर सकता है। सो अच्छा खाना, बैलेंस्ड खाना, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और ये किसी स्टडी में प्रूव नहीं हुआ कि विटामिन सी लेने से आपको फ्लू नहीं होगा या आपका फ्लू जल्दी ठीक हो जाएगा। आपको हमेशा एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। सो इसके साथ मैं आपके प्राइमरी सवाल पे आती हूँ कि नेजल वैक्सीन। सो नेजल वैक्सीन एक बहुत ही बेहतरीन वैक्सीन होते हैं, क्योंकि ये म्यूकोजल वैक्सीन होती है। उनकी आवाज लेकिन क्लियर आ रही है, हम सुन सकते हैं आपको। मैम आप बोलते रहिए। हाँ जी, तो नेजल वैक्सीन जो है वो एक लोकल इम्यूनिटी पैदा करता है, जहां से वायरस की एंट्री है, वो नोज से वायरस की एंट्री है, और ये उसको ठीक करता है। सो हमें हर स्टेज पे इस तरह का अगर वैक्सीन मिलता है तो ये कहते हैं कि ये, अभी हमने देखा कि वैक्सीन तो ले लिया पर फिर भी लोग इन्फेक्टेड हो गए, हमने कहा उससे सिवियरिटी कम हुई, लेकिन ये एक वैक्सीन ऐसा है जो लोकल लेवल पे काम करेगा, वायरस को आपकी बॉडी में नहीं जाने देगा। इसको हम स्टरलाइजिंग इम्यूनिटी भी कहते हैं कि हाँ, आपका बीमार होने का चांस नहीं होगा या बीमार होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। सो जहां से वायरस जाता है वहीं पर ये वैक्सीन काम करता है। सो इट इज अ वेरी गुड एडिशन। जी, शोभना शर्मा का सवाल है, कोरोना से बचने के लिए घरेलू उपाय क्या है? ये बहुत लोग पूछते हैं। डॉक्टर सुरभि से हमारी शो से पहले बात भी हो रही थी, जो घर में इजीली जो अवेलेबल सामान होता है, वो अदरक की बात की, कुछ एक चीज और बताई। खैर डॉक्टर लिखी, मैं आपको बताऊं कि घरेलू उपाय तो इस कोविड के लिए कुछ भी नहीं है। और घरेलू उपाय, स्टीम इनहेलेशन सबसे अच्छा उपाय जो है वो है स्टीम इनहेलेशन। क्यों? क्योंकि एक स्टीम का ही टेम्परेचर, जो कि ये वायरस नेसोफेरिंक्स के अंदर होता है, जैसा कि डॉक्टर सुरभि बता रही थी कि भाई नेजल वैक्सीन क्यों कामयाब होता है, क्योंकि वायरस ग्रो ही नेजल वैक्सीन में करता है। इसी तरीके से अब बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स भी आ गई हैं कि जो गले के अंदर, या च्यूएबल टैबलेट्स हैं जो कि चूसने से, करने से उनका इफेक्ट 4 घंटे तक अपने माउथ के अंदर रहता है, और वो भी बड़ी इफेक्टिव है। अब आते हैं कि नेजल वैक्सीन के ऊपर। जी हाँ, नेजल वैक्सीन को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 9-10 दिन हुए हैं, इसको मंजूरी मिली है भारतवर्ष में, और ये एक अच्छा वैक्सीन है। पर मैं इसके साथ साथ एक बात आपको कहूंगा कि वैक्सीन की, डॉक्टर गंभीर जो कि जाने माने इसके वैक्सीन के एक्सपर्ट हैं, वो भी बता सकते हैं कि कोई भी वैक्सीन आता है, जब भी कभी भी आता है, उसकी बहुत सारी ट्रायल्स चाहिए होती है। अभी नेजल वैक्सीन को सिर्फ 250 मरीजों पे देखा गया, उनमें 10 मरीजों को दोबारा कोविड हुआ और ये 4 हफ्ते के गैप पे लेना पड़ता है। तो अभी इसकी एफिकेसी, हम ये कहें कि ये बहुत अच्छा है, ये टेक्निकली जो कुछ भी है वो अच्छा है, जो कुछ बताया जा रहा है टेक्निकली वो अच्छा है। बाकी तो मैं ओवर टू डॉक्टर गंभीर, ही इज एक्सपर्ट फॉर इम्यूनाइजेशन, बताएंगे सर। मैं पहले वैक्सीनेशन की बात करूंगा। अच्छा मुद्दा है कि क्या हमारे देश में वैक्सीन के कारण कोविड कम हुआ? नहीं। पाकिस्तान वालों ने वैक्सीन नहीं ली, अफ्रीका वालों ने वैक्सीन नहीं ली, और अमेरिका वाले और यूके वालों ने सबने वैक्सीन ली हुई थी। वहाँ पे जबकि 4 फेजेस कोविड के हो गए थे, हमारे यहाँ प्रैक्टिकली 2 ही फेज आए थे, 3 वेव भी नहीं आई थी। तो वैक्सीन एक टूल है जिसका असर मैं कहूँगा 25% वैक्सीन इंटरवेंशन में वैक्सीन का काम है। मैं सोचूँ मैं वैक्सीन लेके घूमता रहूँ, मैं सेफ हो गया हूँ? नहीं। अब जो डाटा है जिसने वैक्सीन ली थी उसमें से भी 40% पेशेंट दोबारा एडमिट हुए हैं कोविड से। एक हुआ उनको कोविड हुआ है और एक हुआ कोविड से एडमिट हुए हैं। क्योंकि डाटा हमें ज़्यादा यूएसए और ब्रिटेन से मिलता है, हमारे देश में डाटा की कमी है और कई जगह ट्रांसपेरेंसी की कमी है। मैं बिल्कुल क्रिटिकल बोल रहा हूँ, मैंने एनटीकी में काम भी किया है, तो हम डाटा छुपा के रखते हैं कई बार। दूसरी चीज़ है जो डॉक्टर लेखी ने बिल्कुल ठीक बोला कि इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, जिसको EUA बोलते हैं, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन हुई है। नॉर्मली वैक्सीन को बनते मिनिमम 5 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं। अब ये वैक्सीन हम 5 महीने में लाए हैं और अब जो ट्रायल्स आ रहे हैं कि कई वैक्सीन जो हमने कोविड में दी हैं बिल्कुल यूजलेस रही हैं। तो ये क्रिटिकल फेज, हम ये वैक्सीन लेना अच्छी बात है, लेकिन वैक्सीन पे ओवर डिपेंडेंस होना ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरा इतना कहना है कि वैक्सीन लेके मैं कूदता रहूं कि मैंने वैक्सीन लिया है या इंडिया ने वैक्सीन लिया है। 80% दुनिया ने वैक्सीन नहीं ली, लेकिन कोविड फिर भी चला गया। वहाँ भी उतनी डेथ थी जितनी इंडिया में डेथ थी। तो हमें सोचने में मजबूर कर रहा है कि वैक्सीन लेना तो जरूरी है, लेकिन वैक्सीन पे ओवर डिपेंडेंस जरूरी नहीं है। मैं हेलमेट डाल लूं लेकिन स्कूटर गंदा चलाऊं तो मैं फिसलूंगा ही और मेरे को चोट लगेगी। वेरी करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो वैक्सीन बेशक ले लें आप, बूस्टर डोज बेशक लगवा लें आप, लेकिन उसके बाद भी संभल कर चलना है जी। इस वायरस के जो सिम्टम्स जो पूछा गया है, इसमें पेट दर्द होना और लूज मोशंस होना और वोमिटिंग, पेट दर्द और लूज मोशंस के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। जो दो डेथ रिपोर्ट हुई है, दोनों में से कोई एक भी, हाँ एक भी हो सकता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये वेरिएशन है इस वायरस का, जो नया वेरिएशन है। देखिए, जब भी म्यूटेंट वायरस आता है तो कोई ना कोई चेंज लेके आता है और ये अपने इम्यून सिस्टम को बिना हर्ट किए हुए ही लंग में पहुंच जाता है और ये इफेक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा सीवियर मानी जाती है। ओके, तो इसमें ऐसा नहीं है कि स्मेल चली जाएगी या टेस्ट चला जाएगा? नहीं सर, ऐसा इसमें डायरेक्ट इम्यून सिस्टम को ही इफेक्ट करता है। इसीलिए आपसे कहा कि नेजल वैक्सीन जो है वो ज्यादा कामयाब इसी बात के लिए है। ओके, जो स्टडी कहती है, टेक्निकल कहता है। ये सिम्टम समझना और इसको लेके प्रिकॉशन वो भी बड़े इम्पोर्टेंट है। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।